और देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने आत्महत्या की है। सुभाष नगर स्थित मकान पर आत्महत्या की है। पारिवारिक कलेश बताया जा रहा है आत्महत्या का कारण। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया उनका शव। लेकिन बड़ी जानकारी, कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने आत्महत्या की है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि प्राथमिक तौर पर पारिवारिक कलेश बताया जा रहा है आत्महत्या कारण। हमारे साथ इस पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, बेहद दुखद और चौंकाने वाला, क्या पूरी जानकारी मिल रही है पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की आत्महत्या से जुड़ी? देखिए शिखा, ये वाकई में चौंकाने वाली खबर है, और बहुत ही इसलिए चौंकाने वाली खबर है कि बहुत ही खुशमिजाज और नेक दिल इंसान के तौर पर विवेक धाकड़ को जाना जाता रहा, और ये जो खबर आई है ये अपने आप में पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाने वाली खबर है। मुझे ध्यान है मांडलगढ़ का वो उपचुनाव जिसको मैं कवर करने गया था, उस पर पहली बार विवेक धाकड़ उम्मीदवार बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर सीपी जोशी उस समय पूरा कैंपेन कर रहे थे, सीपी जोशी ने ही विवेक धाकड़ को टिकट दिया था, और इसलिए टिकट दिया था कि यूथ कांग्रेस में बहुत काम विवेक धाकड़ ने किया जी। और एक पढ़े लिखे नौजवान के तौर पर कॉन्वेंट से वो शिक्षित रहे और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी, शिक्षा उनकी बहुत अच्छी हुई, और उनके पिता भी राजनीति में रहे, फादर का भी उनका राजनीतिक तौर पर, वो भी एमएलए का चुनाव लड़ चुके। तो कहा जा सकता है कि विवेक धाकड़ ने जिस तरह की परिस्थितियां होंगी वो तो अभी जांच से पता लगेगा, लेकिन एक बहुत ही राजनीतिक तौर पर ये ऐसी क्षति है क्योंकि बहुत ही युवा चेहरे के तौर पर उनको उनकी ख्याति रही, और ऐसे में उनका दुखदाई तरीके से उनका इस संसार से चला जाना ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग न्यूज है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश प्रदेश की राजनीति के लिए। कांग्रेस पार्टी के विधायक के नाते काफी अच्छा काम भी इन्होंने किया था, युवाओं के बीच में पकड़ इनकी रही, और मैंने जैसे कहा कि एक अच्छे इंसान के तौर पर इनको देखा गया जब भी मिलते थे। और राहुल गांधी, मुझे अभी भी ध्यान है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान में आई थी पहली बार, जिसकी शुरुआत हुई थी झालावाड़ से, तो विवेक धाकड़ यात्रा में लंबे समय तक रहे और पैदल चले वो राहुल गांधी के साथ साथ, लंबे समय तक उन्होंने यात्रा में उनको जिम्मेदारी भी दे रखी थी और यात्रा में उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई, और पूरी तरह वो कांग्रेस में रचे बसे लीडर के तौर पर, युवा नेता के तौर पर उनकी छवि थी। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में भी उन्होंने काम किया, प्रदेश की टीम में भी काम किया उनको डॉक्टर सीपी जोशी, मुझे अभी ध्यान है कि डॉक्टर सीपी जोशी ने उन्हें सबसे पहली बार उनके नाम पर रिकमेंडेशन किया था, मांडलगढ़ से उनको टिकट दिलाया गया और उस बाई इलेक्शन में वो चुनाव जीते थे। और ये वाकई में दुखद है, बहुत ही दुखद खबर है शिका, प्रदेश की पूरी सियासत को हिलाने वाली खबर है, और जो भी कारण रहे हो लेकिन एक नौजवान का ऐसे चला जाना अपने आप में उस परिवार पे क्या बीत रही होगी और समाज पे क्या बीत रही होगी, ये तो उस परिवार को ईश्वर हौसला बढ़ाए, ढांढस बंधाए कि इस संकट की घड़ी में परमपिता उनको इस तरह से कहा जाए तो उनको हौसला करे उनके पूरे परिवार को। लेकिन ये वाकई में भीलवाड़ा ही नहीं, पूरे प्रदेश की और देश की पूरी राजनीति को हिलाने वाली खबर है, क्योंकि विवेक धाकड़ एक नौजवान की भांति विधानसभा में आए थे और उन्होंने विधानसभा में अपनी योग्यता को और अपनी छाप छोड़ी थी, उन्होंने मुद्दों पर वो बोलते थे, अच्छा बोलते थे, और जैसा मैंने कहा कि कॉन्वेंट शिक्षित रहे, अंग्रेजी पर बहुत अच्छी पकड़ रही, इकोनॉमिक्स पर अच्छी पकड़ रही, बड़ा अच्छा उनका एक व्यवहार था, बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्तित्व उनका रहा, नेक दिल इंसान के तौर पर। राजनीति में इस तरह का व्यक्ति ज्यादा नहीं चलता जी। ये बात भी सही है, लेकिन उन्होंने बहुत अपनी राजनीति सरलता के साथ आगे बढ़ाई, बहुत सहज सरल व्यक्तित्व के तौर पर रहे, और ये पूरे कहा जा सकता है ऐसी खबर है जिसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि अपने आप में उस परिवार के लिए बहुत ही ये घड़ी जो है वो बहुत ही दुखदायी घड़ी जी। जी योगेश जी बिल्कुल, और एक राजनेता के तौर पर उनके अगर इतिहास को देखें तो बेहद सक्रिय नेता के तौर पर भी जाना जाता रहा है। योगेश जी दोबारा आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।